जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि पोस्ट ऑफिस में आरडी खुलवाना ज़्यादा फ़ायदेमंद है कि बैंक में आरडी खुलवाना ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस और बैंक दोनों के ही आरडी जो इंटरेस्ट हैं, यानी कि जो इंटरेस्ट जो मिलता है आरडी में, वह अलग अलग है और दोनों के नियम व शर्तें भी अलग होती है। तो चलिए हम आज के इस वीडियो में इसको अच्छे से कैलकुलेट कर लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम बैंक आरडी और पोस्ट ऑफिस आरडी दोनों में तुलना करते हैं। तो पहले हम बैंक आरडी देखते हैं, उसमें कितना हमको ब्याज मिलता है। मान लीजिए हमने हर महीना 5,000 रुपये आरडी को 5 साल के लिए जमा किया है, तो देखते हैं हमें कितना ब्याज मिलता है। तो हम यहाँ लिख देते हैं 5,000 रुपये। मान लीजिए आप SBI में आरडी खुलवाते हैं, तो अभी वर्तमान करेंट में 5.4% इंटरेस्ट रेट चल रहा है और टर्म मान लीजिए हमने 60 महीने के लिए खोल दिया है। तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि टोटल इंटरेस्ट जो हमको बन रहा है वो 44,849.70 रुपये का हमको इंटरेस्ट बनता है। और इसी के जगह यदि हम पोस्ट ऑफिस में आरडी खोलाते हैं, तो अभी करेंट में उसमें 5.8% इंटरेस्ट रेट चल रहा है। तो चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए आप इसमें यदि आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हैं हर महीने 60 महीने के लिए, और 5.8% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको जो टोटल इंटरेस्ट बनेगा वो रहेगा 48,483 रुपये। मतलब लगभग 4,000 रुपये जो है दोनों में अंतर आपको देखने को मिलता है। और इस तरीके से यदि आप पोस्ट ऑफिस में ही आरडी अगर खुलवाते हैं, तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा बजाय बैंक में आरडी खुलाने के। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा, और यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे एजुकेशनल वीडियो बना सकूँ। धन्यवाद। जय हिंद।